एसआरके म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, रति पांडे और डायना खान अभिनीत भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती का न्यू लुक मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में आउट कर दिया गया है। इस मौके पर फिल्म के निर्माता रोशन सिंह, सह निर्मात्री शर्मिला आर सिंह और निर्देशक प्रेमांशु सिंह के साथ फिल्म की कास्ट और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी मौजूद रहे। सबों ने फिल्म रंग दे बसंती के निर्माण की सराहना की और फिल्म की सफलता के लिए कामना की। वहीं मौके पर निर्माता रोशन सिंह ने बताया कि फिल्म का टीजर जल्द रिलीज होगा, जबकि ट्रेलर अगले साल 2024 की जनवरी महीने में होगी। उसके बाद फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस किया जाएगा। हम फिल्म को भव्यता के साथ रिलीज करेंगे। फिल्म के नए लुक के रिलीज के बाद रोशन सिंह ने कहा कि हम भोजपुरी से जुड़े हैं, इसीलिए हमारा मानना है कि भोजपुरी को सिर्फ भोजपुरी तक सीमित नहीं रखा जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए और हम लोग ये करने की हमेशा कोशिश करते हैं, इसलिए हमने इस फिल्म में कुछ और नए लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि फिल्म में हमने डिजर्विंग लोगों को ही हमने कास्ट किया है, यह दर्शकों को फिल्म में देखने को भी मिलेगा। इस फिल्म में बॉलीवुड के भी लोगों ने काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी से हूँ और मेरी यह जिम्मेदारी है कि जो लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं उन्हें वापस लेकर आएँ, इसलिए मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि वे फिल्म देखने थिएटर में आएँ, फिल्म अच्छी बनी है। वहीं निर्देशक प्रेमांशु सिंह ने कहा कि फिल्म रंग दे बसंती कई मायनों में खास है। हमारी फिल्म सिर्फ देशभक्ति वाली फिल्म नहीं है, बल्कि पारिवारिक पृष्ठभूमि पर पनपती देश प्रेम पर आधारित फिल्म है। हमने इस फिल्म में दिखाया है कि फौज की नौकरी सिर्फ पेशा नहीं, पैशन भी है। यह फिल्म दर्शकों को मनोरंजन के साथ एक अलग दृष्टिकोण देगी। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म में साउंड क्वालिटी भी इन्हेंस हुई है। फिल्म में कैलाश खेर ने टाइटल सॉन्ग गाया है, दिलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा ने भी इस फिल्म में गाने गाए हैं। हमारी फिल्म का वॉल्यूम हिंदी सिनेमा के समानांतर रहेगी। इससे पहले फिल्म को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा कि फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग मौत का खेल खेलने जैसा था। कश्मीर की बर्फीली वादियों में बिना कपड़े शूट करना आसान नहीं है। वहाँ ठंड इतनी थी कि कुछ स्पॉट बॉय शूट छोड़कर चले गए, लेकिन उस ठंड में भी मैंने फिल्म की शूटिंग पूरी की। मेरे साथ रति पांडे भी उस सर्दी में डटी रही और अपना बेस्ट दिया। यहाँ तक कि फिल्म के निर्माता रोशन सिंह और सह निर्माता शर्मिला आर शर्मा मौजूद थी, जिनकी मौजूदगी में हम सबका हौसला बढ़ता था। उन्होंने कहा कि इसके उल्ट जब फिल्म की शूटिंग आजमगढ़ में शुरू हुई तो वहाँ गर्मी प्रचंड थी और वहाँ डायना, जो मेरी को स्टार है, उनके बर्दाश्त से गर्मी बाहर थी, फिर भी हमने फिल्म को शूट किया। इसलिए मैं कहूँगा कि सभी कलाकारों ने और फिल्म की पूरी टीम ने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। बाकी अब दर्शकों पर निर्भर करता है कि वे इस फिल्म को कितना प्यार देते हैं। आपको बता दें कि फिल्म रंग दे बसंती के निर्माता रोशन सिंह, सह निर्माता शर्मिला आर सिंह है, निर्देशक प्रेमांशु सिंह है। फिल्म में खेसारी लाल यादव, रति पांडे और डायना खान के साथ अमिताभ भट्टाचार्य, फिरोज खान और मास्टर ऋषभ यादव, राजप्रेमी मीर सरवर, अमित तिवारी, समर चतुर्वेदी, प्रकाश जैश, ज्योति कलश, संजय महानंद, रीना रानी, श्रद्धा नवल, सुजान सिंह, सोनू पांडे, रितु चौहान, रिंकू भारती, नेहा पाठक, खुशबू यादव, संजय वर्मा, अखिलेश कुमार, अक्की, सूर्या द्विवेदी, निकिता भारद्वाज और चाहत प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी मनोज कुशवाहा ने लिखी है, संगीतकार ओम झा है, गीतकार प्यारे लाल यादव, अरविंद तिवारी, राकेश निराला, डॉक्टर कृष्णा एन शर्मा और सत्य सावरकर हैं।